नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के लखीसराय में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। श्राद्ध कर्म से लौट रहे सुमो विक्टा गाड़ी को गैस लदे ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की मौत। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को लेकर परिचर्चा का हुआ आयोजन। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर अधिकारी और पत्रकारों ने की चर्चा। कृषि यंत्रों की मरम्मत के लिए बीएयू में आवासीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने कहा, यांत्रिकीकरण के बिना खेती संभव नहीं। और सड़क हादसे की शिकार आंगनबाड़ी सेविका की इलाज के दौरान हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा सिकंदरा एनएच 333 स्थित पिपरा गांव के समीप अहले सुबह दो वाहनों के बीच हुई भीषण टक्कर में चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिकंदरा से शेखपुरा की ओर जा रही एचपी गैस ट्रक वाहन और शेखपुरा से सिकंदरा की ओर आ रही यात्रियों से भरी सुमो विक्टा की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे सुमो में सवार 4 लोग वाहन से बाहर सड़क पर दूर जा गिरे, जबकि 2 लोग वाहन में ही बुरी तरह मलबे में फंसे रह गए। दुर्घटना में मारे गए सुमो पर सवार 5 यात्री दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जबकि सुमो विक्टा में सवार 4 अन्य यात्रियों की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वही घटना की सूचना मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद जमुई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार जमुई के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सदगाहा भगदरा गांव निवासी लालजीत सिंह की पत्नी गीता देवी की मौत के बाद सभी सुमो सवार गीता देवी के शव का दाह संस्कार कर घर लौट रहे थे, तभी अचानक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा गांव के समीप हादसे का शिकार हो गए, जिसमें चालक सहित एक ही परिवार के 10 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों में से गंभीर रूप से घायल वाल्मीकि सिंह और प्रभात कुमार को सिकंदरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वही मृतकों के पहचान एक ही परिवार के लालजीत सिंह, अमित शेखर, रामचंद्र सिंह, बेबी देवी, अनीता देवी के अलावा चालक प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। वही भीषण सड़क हादसे की सूचना पर एसपी सुशील कुमार भी घायलों के समुचित इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर डीआरडीए में जिला प्रशासन की ओर से परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस वर्ष प्रेस दिवस कार्यक्रम में हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तमाम पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी और परिचर्चा के विषय पर अपनी बात रखी। इससे पूर्व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश झा राजा, आयुक्त के सचिव वारिस खान समेत कई पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस को लेकर पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के मजबूत स्तंभ मीडिया की भूमिका सरकार के साथ हर क्षेत्र में काफी बढ़ गई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने परिचर्चा के विषय पर भी अपनी विचार रखी। वही कार्यक्रम में अलग अलग मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि और विभिन्न माध्यमों से जुड़े मीडिया कर्मियों ने सबों को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी समस्या और सुझाव कार्यक्रम में साझा किया। इस दौरान अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने कहा कि मीडिया से कौन नहीं डरता है का सवाल सभी के लिए सोचने का विषय है, लेकिन एक ओर जहां गलत कार्य करने वाले को मीडिया से डरने की बात कही जाती है, वहीं जो लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, उनके मन में मीडिया का भय होता है। एडीएम ने पत्रकारों के सुझाव पर जिले के सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ तमाम मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान से जुड़े पत्रकारों का डाटाबेस तैयार करने और जिला प्रशासन की ओर से पत्रकारों को पहचान पत्र जारी करने पर विचार करने की बात कही। कार्यक्रम में आयुक्त के सचिव वारिस खान ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि समय के साथ जहां मीडिया की भूमिका और दायित्व बढ़ा है, वही कई कारणों से मीडिया ने अपना सम्मान भी खोया है, जिस पर गंभीरता से सोचने के साथ सेंसेशनल खबरों के बजाय आम लोगों और सामाजिक सुधार से जुड़े आवश्यक खबरों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। कई पत्रकारों ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं के अभाव पर सवाल उठाया, जबकि कुछ लोगों ने अधिकारी और दबंगों के दबाव के कारण पत्रकारों को भी भयभीत होने की बात कही। परिचर्चा का संचालन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पत्रकारों की समस्या और सुझाव पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर उचित प्रयास किया जाएगा, जिससे कार्यपालिका के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी सम्मान बना रहे।
मौके पर नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव, DDO फिरोज अख्तर के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और वेब मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आने वाले समय में यांत्रिकीकरण से ही खेती संभव हो पाएगी, जिससे खेती में किसानों को लगने वाली लागत भी कम होगी और बेहतर उत्पादन से राज्य के किसान खुशहाल होंगे। ये बातें मंगलवार को कृषि यंत्रों की मरम्मत के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा आयोजित 26 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान नई दिल्ली कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के सदस्य डॉक्टर के सिंह ने कही। उन्होंने प्रशिक्षण लेने वाले से कहा कि ट्रेनर द्वारा बताई जा रही तकनीकी चीजों को पूरे ध्यान से सीखें और एक योग्य मैकेनिक बनकर कृषि यंत्र मरम्मत सेंटर की स्थापना करें। डॉक्टर के सिंह ने किसानों के लिए उपयोगी छोटे छोटे यंत्र बनाने और उद्यमी बनाने के साथ सरकार द्वारा सीमांत एवं लघु किसानों की मदद के लिए जगह जगह कृषि यंत्रों का कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की बात कही, जिससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वही BAU के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने विश्वविद्यालय में डॉक्टर सनोज और इंजीनियर पंकज द्वारा कराए जा रहे ट्रेनिंग के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रेनिंग में लोकल मैकेनिक को भी ट्रेनर के रूप में बुलाया जाए, जिससे अधिक युवाओं को अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इसके पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत BAU के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RK सोहाने ने किया। इधर जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने कहा कि इस प्रशिक्षण का अधिक से अधिक इच्छुक युवा लाभ उठा सके, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जबकि जिला कृषि विभाग के सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सिल्की ने कहा कि आगे कंबाइंड हार्वेस्टर के चालक एवं मैकेनिक का भी प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। मौके पर IAIR क्षेत्र अनुसंधान केंद्र पूसा समस्तीपुर के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार कांत सिंह, BAU के निदेशक प्रशासन डॉक्टर RR सिंह, निदेशक शोध डॉक्टर PK सिंह, DSW डॉक्टर राजेश कुमार, डीन PG डॉक्टर SN सिंह, DSWP संजीव रमन और BSC के प्रचार डॉक्टर RP शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। नाथनगर स्थित SS बालिका स्कूल में करीब 3000 लड़कियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, जबकि स्कूल से बिल्कुल सटे कौवाकोली सुकराज राय स्कूल रोड में कई लड़कियों के साथ छेड़खानी के कई मामले थाने में दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि इस डर से कई छात्राओं ने पढ़ाई तक छोड़ दी है, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन बेपरवाह बनी हुई है। हालांकि पूर्व में नाथनगर थाना के तत्कालीन थानेदार ट्रेनी ASP विनीत कुमार ने करीब 1.5 वर्ष पूर्व जब विद्यालय का निरीक्षण किया तो उन्हें मंचलों के जमावड़े की जानकारी मिली, जबकि स्कूल होकर लोगों की आवाजाही भी देखी गई, जिसके बाद ट्रेनी ASP ने वहां 2 चौकीदार की तैनाती करा दी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर होते ही पुलिस द्वारा सुरक्षा हटा ली गई। वही स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ना तो स्कूल कैंपस के आम रास्ते को बंद कराया गया और ना ही सुरक्षा को लेकर पुलिस को पत्राचार ही किया गया। इधर विद्यालय के प्रधानाचार्य माधुरी कुमारी ने कहा कि स्कूल में उनके पदभार लेने के बाद छेड़खानी की कोई घटना नहीं हुई है और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी संबंधित थाना को दी जाएगी। हम पुलिस को इंफॉर्मेशन करेंगे थाना। यहाँ गाड़ी लगी रहती है, रेलवे लाइन जो है वहाँ गाड़ी रहती है, छुट्टी के क्रम में अपने जाती आती है और जो क्लास चलता है हम लोग का तो दोनों तरफ का गेट बंद रहता है, इस बीच कोई भी आम पब्लिक नहीं जाते आते हैं। गेट खुलने के बाद जो है 4 बजे के बाद अपना आना जाना करते हैं और सुरक्षित तो स्कूल है ही, क्योंकि आम पब्लिक का रास्ता है। इसको कितना बार मैडम पहले जो मैडम थी कितना बार लिख चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है हम लोग को कुछ भी नहीं मतलब मिला है सुरक्षा का। सुल्तानगंज के अकबर नगर थाना क्षेत्र इंग्लिश चिचरौन निवासी समीर कुमार की पत्नी आंगनवाड़ी सेविका किरण देवी का 1 माह पूर्व मोटरसाइकिल से भागलपुर आने के दौरान खेरेहिया के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी मौत सोमवार को सिल्लीगुड़ी में इलाज के दौरान हो गई। बता दें कि घटना के बाद रेफर अस्पताल सुल्तानगंज में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया गया था, लेकिन घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया। हालांकि परिजनों और चिकित्सकों के काफी प्रयास के बाद भी किरण को नहीं बचाया जा सका। वही अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के क्रम में आंगनबाड़ी सेविका के शव को प्रखंड कार्यालय लाया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, CDPO पुष्पा कुमारी समेत सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है।
ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खरीक प्रखंड के ग्राम पंचायत अकीदतपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 16 से पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी मजरुल हक चुनाव जीत गए हैं। वहीं पूर्व सैनिक मजरुल हक के विजय घोषित होने के बाद घर परिवार और समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है। मजरुल हक ने बताया कि पंचायत चुनाव में उन्हें कुल 870 वोट मिले हैं, जबकि उनके ही प्रतिद्वंदी बलराम मंडल को 792 वोट आया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद पर विजय होने के बाद भूतपूर्व सैनिक मजरुल हक ने क्षेत्र की जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि जनता ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए आशीर्वाद और अपना समर्थन दिया है उसे वह पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में विजय प्रत्याशी ने गांव के लोगों पर उम्मीद जताते हुए कहा कि उनके कार्य में अकीदतपुर की जनता भी भरपूर सहयोग करेगी। भागलपुर TNB कॉलेज के सामने स्थित बालक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में ऑनलाइन इंटरेक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को IAS, IPS और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने संबोधित किया। इंटरेक्शन प्रोग्राम में छात्र छात्राओं को UPSC, BPSC सहित न्यायिक सेवा के लिए तैयारी करने की सलाह दी गई। इस दौरान पूर्व IAS और IPS अधिकारियों ने बताया कि कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। वही भागलपुर खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि खानका परिवार भी IAS की तैयारी करने वाले बच्चे बच्चियों की सहायता करेगा, जबकि सैयद अशरफ शाह ने कहा कि विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत हम लोग बिहार के छात्र छात्राओं का IAS और IPS की तैयारी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार भी अल्पसंख्यक छात्रों को कई प्रकार का स्कॉलरशिप दे रही है। साथ ही कहा कि UPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर ए नईम समेत कई शिक्षाविद और समाजसेवी मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि लोग पहले विचार था कि इंडिया में UPSC में बिहार के काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि इस बार जो है इंजीनियर शुभम कुमार जो IIT बॉम्बे का प्रोडक्ट रहा है वो टॉप किया है, लेकिन 761 लोगों का इस बार IAS का सिलेक्शन हुआ, IAS से IPS और सिविल सर्विसेज वगैरह में, लेकिन बिहार से सिर्फ 17 बच्चे थे। जो पहले ये सोचते थे लोग कि बहुत बिहारी आ रहे हैं, और अगर बात करें कि माइनॉरिटी की तो सिर्फ एक लड़का आया है जो अल्तमश गाजी जो समस्तीपुर का है, सिर्फ एक लड़का जो है वो मुस्लिम है जो आया है, अदरवाइज टोटल 17 लड़के हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिहार से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और जब आएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो इंडिया की 1/3 आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है।
सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर पंचायत में स्कूल के हेडमास्टर की मनमानी सामने आई है। बता दें कि तिलकपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नासोपुर में जहां स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बरसों से मनमानी करने का सिलसिला जारी है, वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक का रवैया भी स्कूल संचालक के प्रति ठीक नहीं है। सरकार के सुशासन के दावे के बावजूद स्कूल के शिक्षकों की मनमानी सड़ चढ़कर बोल रही है। आलम यह है कि स्कूल कुत्ते का आशियाना बना हुआ है, शौचालय में गंदगी फैली है और हैंडपंप की भी हालत ठीक नहीं है। देश में स्वच्छता अभियान के बावजूद स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। कक्षा में ना तो शिक्षक मिलते हैं और ना ही कार्यालय में प्रधानाध्यापक। वही प्रधानाध्यापिका शारदा सिन्हा से जब इसको लेकर बात की गई तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर स्कूल में 5 शिक्षकों के होने की बात कही, लेकिन कोई शिक्षक पूजा करने में तो कोई अपने अन्य रोजगार में व्यस्त है। लोगों की माने तो प्रधानाध्यापक शारदा सिन्हा 1 महीने में 1 घंटे के लिए स्कूल आती है और महीने भर का अटेंडेंस बनाकर फिर रफू चक्कर हो जाती है। लोगों ने यह भी कहा कि जब मंगलवार को मीडिया वाले को देखते ही स्वास्थ्य का हवाला देकर छुट्टी का आवेदन सामने रख दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार के लखीसराय में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। श्राद्ध कर्म से लौट रहे सुमो विक्टा गाड़ी को गैस लदे ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की मौत। राष्ट्र प्रेस दिवस को लेकर परिचर्चा का हुआ आयोजन। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर अधिकारी और पत्रकारों ने की चर्चा। कृषि यंत्रों की मरम्मत के लिए BAU में आवासीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने कहा यांत्रिकीकरण के बिना खेती संभव नहीं। और सड़क हादसे की शिकार आंगनबाड़ी सेविका की इलाज के दौरान हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।